पहले सीमा हैदर और अब अंजू, दोनों के बारे में एक बात कॉमन है, दोनों की जो कहानी है उसके तार पाकिस्तान से जुड़ रहे हैं और दोस्ती प्यार मोहब्बत की बात कही जा रही है, लेकिन दुश्मन देश पाकिस्तान की बात होने से दूसरे तार भी जुड़ जाते हैं, यानी जासूसी के। और इस वक्त हमें ग्वालियर में, ग्वालियर के एसपी हैं राजेश सिंह चंदेल, हम इनसे बात इसलिए कर रहे हैं सर क्योंकि जहाँ की वो रहने वाली है, उसके पिता रहते हैं टेकनपुर, टेकनपुर के पास वो गांव है और वहीं पर बीएसएफ की एकेडमी है। मतलब कितना सुरक्षा के लिहाज से इस पूरे केस में अंजू के पाकिस्तान जाने, पाकिस्तान में जाकर जिस तरह की चर्चा हो रही है कि उसने शादी रचाई है, निकाह किया है। देखिए अभी जो बात आई है इसमें हम लोग जो प्रारंभिक पूछताछ करी है, पता किया, जानकारी ली है, तो ये जो लड़की है ये यहाँ पर से 16-17 साल पहले ही चली गई थी शादी करके, राजस्थान में भिवाड़ी में रह रही थी। अभी ऐसा कोई सीधा मुद्दा इसका बीएसएफ के किसी से कनेक्टेड का कुछ आया नहीं है, लेकिन वॉच हम रखते हैं, वॉच रखेंगे और कोई ऐसी विशेष बात लगेगी तो उस पर देखा जाएगा। और फिलहाल तो अभी यही आया है कि इसके बाकायदा शादी है, दो बच्चे हैं और वो भिवाड़ी से ही वहाँ चली गई है और बाकी चीज़ों को ध्यान देखा जा रहा है। उनके पिता से गया प्रसाद से जब थॉमस से हमारी बात हुई, उनके पिता यानी अंजू के जो दादा हैं वो बीएसएफ में तैनात थे, वो एक, हाँ, एक पृष्ठभूमि है, लेकिन वो से जब उसका संपर्क यहाँ से नहीं है तो कैसा क्या रहेगा, लेकिन हम हर चीज को वॉच में रखेंगे, जो स्पेसिफिक चीजें आती हैं तो वो उस पर करते हैं, संभावनाओं पे आशंकाओं पे तो हम लोग वॉच रखते ही हैं और दूसरी एजेंसियां भी देखती हैं। गांव के लोग कह रहे हैं कि सर जो अंजू अगर वहां पे पाकिस्तान गई है तो जाहिर तौर पर यहाँ लोगों से भी बात करेगी, तो गांव के लोगों में थोड़ा सा असुरक्षा का माहौल इस पूरी कहानी के बाद हमें दिखा। असुरक्षा का हम लोगों को तो अभी कोई इस तरह के सामने फीडबैक नहीं आया, लेकिन अभी वॉच रखने की बात है, तो अगर कोई ऐसी बात आएगी, स्पेसिफिक चीज आएगी तो उस पर करेंगे, मतलब स्पेकुलेशन पे तो नहीं, लेकिन हाँ वॉच रखें। जो दूसरी सुरक्षा एजेंसी है सर उनसे आप संपर्क में है? सभी संपर्क में रहते ही हैं, उनका सबका काम है, अपना अपना टास्क है, वो करते हैं। तो ये है राजेश सिंह चंदेल जो कि एसपी हैं ग्वालियर के, जो कह रहे हैं कि अंजू की इस पूरी कहानी के बाद इस पूरी घटनाक्रम पर जो यहाँ पर पुलिस है लगातार नजर बनाए हुए है। मनोज शर्मा, ग्वालियर, न्यूज 18।